हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है डे सैटरडे, और मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी इधर मशीन लगा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। देखिए कितने सारे कपड़े हैं। कल भी धोई थी मुझे कपड़े, बट आज भी कपड़े सारे इकट्ठे हो गए। आज सैटरडे है ना, तो बाबू की छुट्टी है, तो बाबू के सारे कपड़े मैंने चेंज करवा दिए। मैं यहाँ पर उसका पलक ढूंढ रही थी, मुझे पलक दिखाई भी नहीं देता, फिर मिला। कम स्पेस होती है ना, अब एक ही भी बोर्ड है, अब इसी में पानी गर्म करने के लिए वो रॉड भी लगाना पड़ता, रॉड के लिए भी लगाना पड़ता है, तो उसको मशीन वाला जो वॉशिंग मशीन का पलक है उसको निकाल देना होता है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, क्योंकि अभी गर्म पानी से ना कपड़े अच्छे धुलते हैं, मतलब साफ़ जल्दी हो जाता है, और क्या कहते हैं वही साफ़ जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा गर्म पानी में ही कपड़े धो रही थी। मैंने गर्म पानी उधर रख दिया है एक तसले में। अभी नहाने के लिए बाल्टी में नहीं लगाई है, वो हस्बैंड अपना उठेंगे तो वही लगाएंगे। बस मेरा अपना, जब तक मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी, जब तक कपड़े धुल जाएंगे मेरे, तब अपना लगाएंगे वो नहाने के लिए गर्म पानी। कपड़े धुलने में मुझे टाइम लगने वाला है, और आज छुट्टी का दिन था। थोड़ी सी क्या, लेट ही उठ गई मैं, 7 बजे उठी हूँ, अब तक मेरा आधा काम हो गया होता, बट कोई नहीं। और मैंने देखे सरफ का बड़ा पैकेट है, इसको मैंने किसी में कि नहीं है कुछ भी रखने का जुगाड़ ही ऐसा नहीं है कि हाँ इतने सारे सरफ को मैं कहाँ रखूँ। तो अब सोच रही हूँ ना, तो मैं इसी में से यूज़ कर रही हूँ। 5 किलो का लेकर आई थी, और ये 5 किलो का भी ख़त्म भी नहीं होने वाला, पता नहीं कितने दिनों में ख़त्म हो गई। तो सोचिए कहीं एक खुली खुली ना ख़राब ना हो जाए, इसको पैक करके जुगाड़ लगाऊंगी कुछ, नहीं तो थोड़ा सा यूज़ करने के लिए किसी बर्तन किसी छोटे से डब्बे में रख लूँगी, बाकी इसको ना स्टेपलर करके रख दूँगी, है ना, ऐसे काम चल सकता है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, किचन वगैरह पूरा बिल्कुल क्लियर कर लिया है, खाना पूरा बन गया है। हस्बैंड उधर खाने के लिए बैठे हुए हैं, खा के फिर जाएंगे शॉप पे, और मैं यहाँ पर बाबू भी नहा धो के तैयार हो गया है, तो मैंने बोला उसको पढ़ने के लिए पहले मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खा लेगा ना, उसके बाद अपना पढ़ाई करता रहेगा बैठ के, मैं भी टेंशन फ्री रहूँगी ना कि चलो उसने कुछ नाश्ता कर रखा है, तो अपना मैं भी काम करती रहूँगी। फिर जब मैं खाना खाने के लिए बैठूँगी काम वाम करके, फिर उसको भी खाना दूँगी। तो यहाँ पर मैं वही निकाल रही थी, और इसका भी यही है, इसका डब्बा रखने के लिए नहीं मिला, तो मैंने एक बड़ी सी पर पेंट वाली जो बाल्टी होती है ना, उसके अंदर दाल है, तो उसी के अंदर इसके पैकेट को भी रख देती हूँ। ढक्कन लगी हुई है उसमें, तो ये सीलती नहीं है, और यहाँ पर उतार लिया है, तब जाती हूँ मैं भी अपनी चाय बनाती हूँ, और उसको भी खाने के लिए देख कर आती हूँ। तो कॉर्नफ्लेक्स बस बाबू ही खाता है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो कोई मार मार के भी खिलाएगा ना डंडे से फिर भी नहीं खा सकती मैं, मुझे इतनी गंदी लगती है, बाप रे, इसकी जगह मुझे और कुछ खिला दो, बट ये नहीं खा सकती मैं। और बाबू को बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद ही होता है। इस बार मैं प्लेन लेकर आई, इसके पहले मैं चॉकलेट वाला लेकर आई थी, फिर मैं अभी प्लेन ही लेकर आई हूँ। अब की बार देखूँगी तो चॉकलेट वाला ला दूँगी, बट ये ख़त्म तो हो जाए अभी। सुबह सुबह स्कूल जाता है तो उस टाइम खाता नहीं, क्योंकि जल्दी जाता है ये, तो नहीं खा कर जाता है। फिर घर आने के बाद खाना खाना, फिर रात को खाना खाना, तो बस नहीं हो पाता मिलता, तो बस छुट्टी वाले दिन में दे देती उसको खाने के लिए अपना सुबह को मॉर्निंग में। और मैंने आज खाने में बनाया है, क्या बनाया मैंने, हाँ आलू की जो सरसों वाली सब्जी, ग्रेवी वाली, आलू की छोटी आलू होती है ना, बिना छिलके वाली, और राय और लहसुन वाली सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है एकदम। तो वो काफ़ी दिनों के बाद बनाई, इसी जो मैं छोटे आलू जो है ना, वो चोखा नहीं भुजिया में ख़त्म हो गई सब्जी, बनाया था जिस चीज़ के लिए लेकर आई थी, चाय बस बनी है और पीने जा रही हूँ।
कपड़ा धो के मैंने छत पे डाल दिया है सूखने के लिए, और बाकी अब घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है घर का काम, तो आज मैं आराम आराम से धीरे धीरे घर का सारा काम करूँगी। सब जगह कपड़े फैले हुए हैं इधर से उधर, सबको आज क्लियर करना है मुझे। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे अपना रूम क्लियर करने के लिए आ गई हूँ। बहुत देर तक बैठी रही तो खिड़की से थोड़ी सी धूप आ रही थी ना, तो थोड़ी देर बैठी रही, एक घंटा हाँ डेढ़ घंटा बैठी रही मैं यहाँ पर आराम से बैठ के बहन से बात बात किया मैंने। इसके बाद अब जब धूप लगा तब तो मुझे काम करना ही होगा, तो हस्बैंड बोल के गए हैं ये वाली जो अलमारी उसको खाली करके यहाँ पर माइक्रोवेव रखने के लिए, क्योंकि माइक्रोवेव टेबल पर पड़ी रहती है तो टेबल पर सेफ़ नहीं है ना, कभी इधर मैं खिड़की खोलती हूँ झटके से तो उसमें उसके कांच में जो ग्लास का उसका गेट है उस पर लग जाती जाके। तो हस्बैंड ने बोला कि इसको तुम सही मतलब ये वाली सेल्फ को खाली कर दो और यहाँ पर रख दो क्योंकि एक्स्ट्रा ही सामान है, एडजस्ट करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी सोचा कि हाँ सही कह रहे हो, जो सामान इधर ऊपर रखने वाला था मैंने छज्जे पर रख दिया, जो कि कभी कभी यूज होता है, कभी कभी बहुत सारे दिनों में यूज होती है, उसको मैंने रख दिया वो। और बाकी आपको देखती बॉडी लोशन वगैरह का काम इतना है नहीं, तो एक बॉडी लोशन मैं यहाँ काम कर दूँगी और एक तो मैं ऊपर रख दूँगी पाउडर वगैरह जो नहीं होती अभी यूज में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, सबको मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। इधर एक साइड पर मेरी चूड़ियाँ हैं सारी छूटी और कभी तो बॉक्स में अभी देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में। उसको मैं ढक दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास इसका कवर है नहीं, मेरे पास ये पत्तियों से स्टॉल पड़ा हुआ है तो मैंने इसी से रख दिया है ना। अब इसका कवर जब मंगवाऊँगी कवर कर दूँगी, एक्चुअली कवर अपना अकेले अकेले का तो मिल रहा है लेकिन मुझे सेट का चाहिए था, जैसे इसका हो गया और फिल्टर का हो गया ऐसे करके, वॉशिंग मशीन का भी कवर नहीं मंगाया मैंने। तो मैं सोच मैं बहुत दिन से चेक करी लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मिल ही नहीं रहा। तो चलिए कोई नहीं मिल रही, तो जब जब मिल जाएगी कभी, कोई ज़रूरी नहीं है मुझे, नहीं तो फिर मैं कपड़ा लेके बना लूँगी क्योंकि एक ऑनलाइन मैंने मंगाया है तो वो ख़राब हो गया फ्रिज का, बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो सोच रही हूँ अगर अच्छा सा कपड़ा मिल जाए तो उससे बना लूँ, उस मशीन की थोड़ी सी मेरे को दिक्कत है, यहाँ पर मेरे पास मशीन नहीं है ना, इसकी वजह से कुछ सिलने का मन भी करता कुछ बनाने का मन भी करता, बस फिर रह जाती हूँ। ससुराल कभी मतलब जाती हूँ तो एक या दिन के लिए जाती हूँ तो उसमें नहीं हो पाता इतनी जल्दी जल्दी। उसके बाद में उस रूम वगैरह मैंने सेट कर ही लिया था, उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर कपड़े धो लें, देख सकते हैं मैं सारे कपड़े धो लूँगी तो लूँगी नहीं सॉरी कल के कपड़े, इसको तय मार रही हूँ मैं अभी, कहाँ बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ पागल होगी मैं, तो कपड़ों में मार लेती हूँ मैं तय।